मूसाखेल राड़ाशम के मकाम पर गाड़ियों को रोका गया। उनमें जो मुसाफिर मौजूद थे उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए गए। जिनके शनाख्ती कार्ड पे बलोच पंजाब लिखा हुआ था उन लोगों को उतारा गया। नीचे उतार कर उनको गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। इन लोगों की तादाद 23 है। ये वाक़या आज सुबह ही रोनुमा हुआ है। ये जो लोग थे ये लोग चाह रहे थे अपने बच्चों की रोज़ी कमाने। ये आम क्लास के लोग थे, ये यानी कि मज़दूर तबका के लोग थे। ये बच्चों की रोज़ी कमाने जा रहे थे, इनको गाड़ियों से उतार कर शहीद कर दिया गया। वो जो मुसल्ला अफराद थे उनका इन लोगों के साथ क्या झगड़ा हो सकता है, इन लोगों के साथ क्या ज़ाती मसला हो सकता है, क्या ज़ाती रंजिश हो सकता है, कुछ भी नहीं। ये जो खलीज एक पैदा किया जा रहा है हमारे सूबाओं के सूबों के दरमियान, यानी कि बलोच और पंजाबी, ये दोनों लोग इंतहाई अच्छे लोग हैं, इंतहाई मेहमान नवाज लोग हैं, ये लोग इंसानों की कदर करने वाले लोग हैं। मगर यहाँ पे कुछ शर पसंद अनासर जो इनके दरमियान में घुसकर इनकी खाल पहनकर, बलोचों की या पंजाबियों की खाल पहनकर इस तरह की हरकतें करते हैं, तो इनको रोकना ना बलोचों का काम है ना ही ये जो ना पंजाबियों का काम है। इनको रोकना काम है सिक्योरिटी इदारों का। हमारे इदारे जो टैक्स के पैसों पे पलते हैं वो इस वक्त कहाँ हैं? पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि कोई सिक्योरिटी फेलियर हो, कोई सिक्योरिटी लैप्सेज हो, तो वहाँ पर जाकर किसी बड़े अफसर ने इस्तीफ़ा दे दिया हो। हाँ, ये जो कुछ हुआ है ये मेरे लैप्सेज की वजह से हुआ है, ये मेरी निगलिजेंसी की वजह से हुआ है, इसलिए मैंने अपना काम नहीं किया तो मैं अपने इस ओहदे के काबिल नहीं हूँ, मैं इस्तीफ़ा दे के जा रहा हूँ, कोई और काबिल बंदा आए और इस सीट को संभाले। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ।